उसके जितना खर्च करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसमें तो हमारी एक महीने की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। चाहे इसमें दो महीने की सैलरी क्यों ना लग जाए, मैं कस्टमर बनकर आऊंगा, तब देखूंगा कि इज्जत से पेश आते हैं कि नहीं। हम इसी होटल में आएंगे, मैं सबको खरीद लूंगा। लेकिन बड़ी, हमें ढंग के कपड़े भी चाहिए होंगे। अगर हम अमीर हो गए तो फ्यूचर में ऐसा ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। मैं पार्किंग का ध्यान रखूंगा, मैं फूड कोर्ट में काम करूंगा। छी, तुम जैसे लोगों को साथ में रहकर कोई कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही रह जाएगा। पर अचानक से हम ऐसे अमीर होने का दिखावा कैसे कर सकते हैं? एक बार रिहर्सल करते हैं। हाँ, ओके। सर बोलो रंगैया, मेरे छोटे बहन की शादी। कितने पैसे चाहिए? अगर 500 दे पाए। रिहर्सल में भी तो चीपी हरकत करता है, थक तेरी की, थोड़ा ज्यादा मांग। अगर आप 50,000 से मदद कर पाए तो ये ले। 50,000 मांगने के लिए क्या और 500 दिए? और तुझे जो दिया है वो मेरे रुपए हैं। मुझे वापस कर। तेरे लिए 10 सालों तक कुत्ते की तरह, नहीं, कुक का काम किया है। तूने बोला तेरी बहन की शादी है, उसे एक कपड़े गिफ्ट कर देना, बोला कि मेरी तरफ से है। आप मुझे सैलरी देते हैं सर। सैलरी देकर मैं तुझे जिंदगी देता हूँ क्या? तेरी बहन की शादी पर मैं कपड़े भी नहीं खरीद सकता? आपने अपने कुक की बहन को अपनी बहन समझा? मुझे पब्लिक प्लेस में ऐसा पसंद नहीं है रंगैया।